छत्तीसगढ़ का सहदेव इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिन्होंने 2 साल पहले ही बचपन का प्यार भूल नहीं जाने सॉन्ग अपने स्कूल फंक्शन में गाया था। लेकिन उन दिनों ये वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सॉन्ग पे सबसे पहले बादशाह ने वीडियो बनाया, इसके बाद कई सारे टिकटॉक स्टार और बॉलीवुड स्टार भी वीडियो बनाए, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद एक न्यूज काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है चंडीगढ़ के सहदेव को सलमान खान ने मुंबई बुला रहा है एल्बम सॉन्ग के लिए। क्या ये न्यूज रियल है या फेक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों दरअसल मैं बता दूं, जब वीडियो वायरल हुआ तो सबसे पहले तो इनके वीडियो पे बादशाह ने वीडियो बनाया, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। इसके बाद बादशाह ने इस लड़के से वीडियो कॉल्स पे बात किया, इसके बाद बादशाह ने चंडीगढ़ उस लड़के को बुलाया, इसके बाद लड़के से मिला और बहुत ही जल्द इसका सॉन्ग आ सकता है। इसके बाद चंडीगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने इस लड़का को बुलाया और लड़का से मिला और इसको स्वागत भी किया। इन दिनों वो सोशल मीडिया पर और उनके गाँव में भी काफ़ी ज़्यादा उसको स्वागत किया जा रहा है। लेकिन एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है चंडीगढ़ का सहदेव को सलमान खान बुला रहे हैं मुंबई एल्बम सॉन्ग गाने के लिए। लेकिन इसके बारे में मैंने रिसर्च किया गूगल और यूट्यूब और इसके बाद कई सारे मैं आर्टिकल पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा आर्टिकल नहीं मिला जिसमें बताया गया हो मुंबई सहदेव को बुला रहे हैं। तो ये सब जितने भी न्यूज वायरल हो रहा है सारे के सारे फेक न्यूज़ है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।